हाय गोदावरी किचन में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं कर्ड राइस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं पका हुआ 2 कप चावल ली हूँ। चावल को मैं अच्छे से पहले मसल लेती हूँ। हमने चावल को अच्छे से मैश कर लिया है। तड़का लगाने के लिए हम 2 चम्मच तेल लिए हैं और हम तेल हमारा गरम भी हो गया। इसमें सबसे पहले हम 7-8 ठो काजू था, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं और डाल रहे हैं। हल्का से ब्राउन हो गया है काजू। अब इसमें हम 1 मिर्च है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटे हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसको हम पीस लिए हैं और 1 चम्मच उड़द दाल है धोया हुआ, इसको अच्छे से धो के हम रखे हैं और डाल रहे हैं और 1/2 चम्मच जीरा है इसको भी हम डाल रहे हैं और 5 लाल मिर्च है खड़ी इसको डाल रहे हैं। एक चुटकी एक चौथाई हींग है इसको हम डाल रहे हैं और 1 चम्मच सरसों है इसको डाल रहे हैं और 8-9 ठो करी पत्ता है उसको छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। तड़का को हम चावल में डाल रहे हैं जो मसल के रखे हैं उसमें। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। आधी चम्मच नमक है स्वाद के अनुसार और 3 कटोरी दही है, फ्रेश दही है इसको डाल रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं और थोड़ा सा हम खटास कम करने के लिए 1 बड़ा चम्मच दूध डाल रहे हैं और अच्छे से मिला देते हैं। साथ में हरी धनिया काट के रखे हैं इसको डालते हैं और अच्छा से मिला देते हैं। हमारा कर्ड राइस बन के तैयार है। बहुत जल्दी बन जाता है। अगर दही थोड़ा खट्टा हो तो उसमें दूध डाल दीजिए ताकि खटासपन चला जाता है। और बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Thank you, Sabine Boss. Help!